दोस्तों, इंडिया में बढ़ते पेट्रोल की कीमतों के बीच भारत सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगने वाली लिथियम बैटरी के लिए भारत को चीन या किसी अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत वाहनों की लिथियम बैटरी से लेकर मोबाइल फोन की बैटरी बनाने के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। इससे इन चीजों की लागत में कमी आएगी और आम आदमी तक ये चीजें कम कीमत पर उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, भारत अब चीन और ऑस्ट्रेलिया की तरह दूसरे देश को भी लिथियम एक्सपोर्ट कर सकेगा। यही वजह है कि चीन और अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, लिथियम यानी कि सफेद सोना, भारत में पहली बार लिथियम का विशाल भंडार मिलने से पूरी दुनिया की निगाहें अब इंडिया पर टिकी हुई है। लिथियम को सफेद सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिथियम बैटरी में इस्तेमाल होने वाला सबसे प्रमुख तत्व है। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में इसका विशाल भंडार मिलने से भारत विश्व में सबसे ज्यादा लिथियम भंडार वाला तीसरा देश बन गया है। अमेरिका और चीन इस मामले में काफी पीछे रह गया है और इससे इन देशों की चिंता बढ़ गई है। लिथियम भंडार के मामले में चीन दुनिया का नंबर वन देश है, जिसके पास 9.3 मिलियन टन लिथियम है। वहीं दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसके पास 6.2 मिलियन टन लिथियम है। वहीं 2.7 मिलियन टन लिथियम के साथ मौजूदा टाइम में अर्जेंटीना को पीछे छोड़ भारत तीसरे स्थान हासिल कर लिया है। भारत के पास 5.9 मिलियन टन लिथियम है। कहां कहां यूज होता है लिथियम का? दोस्तों, लिथियम एक नॉन फेरस मेटल होता है। इससे मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहनों समेत कई अलग अलग चीजों को बार बार चार्ज करने वाली बैटरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तक भारत में 96% लिथियम दूसरे देश से इम्पोर्ट हो रहा था, जिसमें 80% लिथियम चाइना से इम्पोर्ट किया जाता है। भारत को मिले लिथियम भंडार से चीन को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।